thank <music> you हेलो वइज मैं हूं अमित और अभी जो आपने शुरू में वीडियो देख लिया है आज मैं इस वीडियो का ट्यूटोरियल आप सबके बीच में देने वाला हूं जो कि इंस्टाइल्स पर अभी वायरल चल रही है एक भाई के चैनल का नाम है कोहलू करके उसी भाई ने इस तरह की वीडियो बनाए हैं तो जब मैंने ट्राई किया तो मैंने सोचा था कि स्टेप बाय स्टेप अभी सिखा रहा हूँ सबको स्टेप बाय स्टेप ही सिखाऊंगा लेकिन इसमें इधर उधर करना बहुत ज़्यादा है तो इसके चलते मैंने सोचा कि बहुत लंबा वीडियो खींच जाएगा तो डायरेक्ट मैं एक्सम प्रेसेट के ज़रिए आज बता देता हूँ जो कि थोड़ा टाइम बच सके और मेरे को भी आसानी हो सके वरना इतना इधर उधर करने में बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो जाता है तो इसके चलते अभी भी एक्स प्रेसेट से ही सिखाऊंगा तो चलिए इस ध्यान से देखिएगा ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है आपको भी पता है तो अभी तक आपने इस वीडियो के लिए लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा लाइक करने के बाद अच्छा लगता है ख़राब लगता है नीचे कमेंट बॉक्स वहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा साथ में कोई वीडियो को सुझाव देना है या कुछ पूछना है तो डायरेक्ट मेरे इंस्टा पर मैसेज करें वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा और आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल कर लीजिएगा साथ में से चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो इस चैनल को भी चेक कर लीजिएगा तो वीडियो स्टार्ट कर देते हैं कोई भूत ना कोई आत्मा आप देखते रहेगा हमेशा टेक्निकल महात्मा सो so, गाइस वीडियो बनाने के लिए आगे मोबाइल स्क्रीन पे वीडियो को ध्यान से देखिएगा सबसे पहले आपको क्या करना है डिस्क्रिप्शन में जो मैंने दे दिया है और आपको डाउनलोड करने हैं लेकिन वेबसाइट पे होगा तो वहाँ से डाउनलोड करने में आपको दिक्कत होती है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है मेटेरियल डाउनलोड करना सीखे वो वीडियो देख लेते हो तो आपको डाउनलोडिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी और इजिली डाउनलोड कर पाओगे डाउनलोड कर लेते हो उसके बाद जैसे प्रिस्ट इम्पोर्ट करते हैं या एक्समल वो इम्पोर्ट कर लेना अपने एलाइट मोशन में और इम्पोर्ट करने के बाद जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से देखिए एलाइट मोशन ऐप को ओपन करना है प्रोजेक्ट में आना है जो प्रोजेक्ट लाओगे सो ये वाला रहेगा ये मेरा मेन प्रोजेक्ट है और अभी मैं इसमें बता दे रहा रहूँ इसी का डुप्लीकेट ट है तो इसको ओपन करते हैं ओपन करने के बाद यहाँ पे इतनी सारी आपको लेयर देखने को मिलेगी सबसे पहले आपको जो एक्समल करते हैं उनमें साउंड लेयर रहेगा लेकिन बजेगा नहीं जो प्रेस करते हैं उनमें साउंड रहेगा तो एक्समल वाले भाई इस लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर लेना और जो डिस्क्रिप्शन में आडियो दिया है उसे डाउनलोड कीजिएगा एडियो में आना है और सबसे लास्ट में चले जाना जब डाउनलोड कर लेते हो उसके बाद और यहाँ पर ये है सिलेक्ट करना है सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसको ऐसे करके नीचे खींच लेना है और शुरू का हल्का सा पार्ट आपको इस साइड का कट करना है और ऐसे करके आपको ये लेयर को खींचना है खींचने के बाद अब देखोगे तो यहाँ पे लास्ट तक पहुँच जाएगा जहाँ तक सही है अब ऐसे करके कर लेते हो तो अब आपको क्या करना है यहाँ पर ये दो लेयर जो दिखाई दे रहा है इसका आई बटन ऑफ है इसे ऑन करना है ऐसे करके ऑन करते ही यहाँ पे आपको ए इमोजी और ए सर्किल है सो देखने को मिलेगा इस प्रकार से और यही सब के चलते मैंने स्टेप बाय स्टेप नहीं बताया कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होता अगर चाहते हो कि इमोजी चेंज कर दे इसका तो बस लेयर को सिलेक्ट करना है एडिट ग्रुप में जाना है और यहाँ पर जो भी इमोजी देना है सो एडिट टेक्स्ट पर जाके क्लियर करके लगा सकते हो इमोजी फॉन्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा बाकी सब कुछ नहीं करना यहाँ से बैक करना है अब जब ये हो जाए यहाँ पे शुरू का पार्ट ये सब कर लेते हैं इमोजी चेंज करके तो जो इमोजी इसमें हॉट वाला में मैंने दिया था सो तो इसमें भी देना होगा इस ग्रुप के अंदर है और ये सर्किल तो यहाँ पे है ही इस प्रकार से आएगा देख सकते हो ये हॉट भी यहाँ पे है तो आगे मैं बताता हूँ यहाँ पे आप पहले क्या करना है हैं ये जो लेयर है इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे कॉपी कर लेना वरना आपको एक दिक्कत आ सकती है कॉपी कर लेते इस प्रकार से और उसके बाद इसको सेलेक्ट करके एडिट ग्रुप में जाना है यहाँ पे जो ये लेयर बारह चौवन तक है अगर छेड़छाड़ थोड़ा भी करते हो तो ये छोटा पड़ जाता है अपने आप पता नहीं क्यों मैंने अभी देखा था तो यहाँ पे आपको सबको ऐसे करके सेलेक्ट कर लेना सबसे अच्छा यहाँ पर पहले तो आई बटन सब जो आग, मैंने दिया लिरिक्स इसका ऑन करना है और सब ये जो लेयर है इसका सबको कॉपी करना है यहाँ से ऐसे करके कॉपी सिक्स लेयर कर लेने जो आगे दिक्कत आए तो हम डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हैं तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आ जाएगा अब लेयर को छेड़छाड़ मत करना है। मैंने यहाँ पे लिरिक्स दे बनाया है अगर आप चाहते हो कि इधर उधर करें तो आप मूव कर सकते हो डायरेक्ट ऐसे करके बनाया यहाँ पर कुछ भी छेड़छाड़ की है तो छोटा पड़ जाएगा तो आप ध्यान रखना जब ये सब हो जाए यहाँ पे इमोजी चेंज करना है तो एडिट टेक्स्ट पे जाकर चेंज कर सकते हो दूसरा इमोजी लगा सकते हो और ये हो जाए उसके बाद अब आपको यहाँ पे फोटो ऐड करना है तो जो भी फोटो लोगे सो नाइन टू तो सिक्सटीन का लेना मीडियम में चलते हैं ये फोटो मैंने एच डी किया है सो इस प्रकार से है डायरेक्ट फिट हो जाता है इसे बस नीचे वाले लेयर में ले आना है यहाँ पर ऐड हो जाएगा और इसे पूरा अंत तक कर देना है जहाँ तक आपका वीडियो है तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे देख सकते हो सारा लिरिक्स भी आ गया और सब चीज़ आ गया अब बस यहाँ पे एलियर से बाहर हो जाना है बाहर होते ही यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा जो कि फ़ोटो और सब आता हुआ नज़र आएगा और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे करते हैं और ऐसे करके आता जाता हुआ नज़र जा आएगा जो सही लगता है देखने में और ये आपका कंप्लीट हो जाता है लेकिन यहाँ पे कंप्लीट होगा तब जब इस पर सी लगेगा सही से सी सी है लेकिन सही से वर्क नहीं कर रहा तो रेक्टेंगल वन को सिलेक्ट करेंगे इफेक्ट में जाएंगे गॉसियन बलर में आएंगे और यहाँ पे इसको 0.50 रख लेना या अपने हिसाब से देख लेना जितना पे सही लगता है मैंने 0.50 रखा था तो कुछ इस प्रकार से हो जाए तो यहाँ पे सी सी अच्छे से वर्क करेगा और सही लगेगा देखने में एच तो बस इतना करना है ऊपर में लोगो है यहाँ पर तो एडिट टेक्स्ट पर इसको सेलेक्ट करके एडिट कर सकते हो तो चलिए आज का ट्यूटोरियल आपको पसंद आया हो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल पर नहीं थे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तो तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद